सबने अजय सिंह बनके, दुष्यंत बनके, दिग्विजय बनके जो काम किया है, वैसा ही समय अब एक महीने बाद अपना लोकसभा का इलेक्शन है। जींद का जो इलेक्शन था वो बहुत ज्यादा, मैं कहती हूँ जींद की जनता ने प्यार और सहयोग दिए। उस हार को मैं हार नहीं मानूंगी, क्योंकि ये सरकार ने का हराने का आपस में बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर जो षड्यंत्र रचा था उससे दिग्विजय हारे, वरना मैं तो उस चीज को हार नहीं मानती, क्योंकि लोगों ने 38,000 वोट दिए। पहले जो अपना विधायक बन के गया था इनेलो का, वो सिर्फ 34,000 से बन के गए, तो लोगों ने वोट बहुत दिए। और उस चीज के लिए जो जो भी इलेक्शन में गया था, उसी तरह अब अपना लोकसभा का जो इलेक्शन है वो एक महीने बाद कभी भी डेट डिक्लेयर हो सकती है। उस इलेक्शन के लिए मैं एक एक कार्यकर्ता को, एक एक बड़े बुजुर्ग को, एक एक मेरी माता और बहनों को कहूंगी कि आप संगठन को मजबूत करो, क्योंकि पार्टी नई है और पार्टी का संगठन जो है वो मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कार्यकर्ता आपस में जुड़ेंगे तो संगठन मजबूत होगा, संगठन मजबूत होगा तो हमारा विधायक बनेगा, हमारा विधायक चंडीगढ़ पहुंचेगा तो दुष्यंत आपका मुख्यमंत्री बनेगा। जो उप तहसील है, राज आने पे राज आपका 100% राज आएगा। 2019 में राज आते ही रोड़ी को जो है उप तहसील बनाएंगे, जो अभी मौजूदा सरकार ने रोड़ी को कैंसिल कर दिया तहसील। आपके गांव में बिजली घर बनवाएंगे जो बड़ा होएगा और पूरे गांव के आसपास की ढाणियों में लाइट की सुविधा होगी। अस्पताल जो है उसको अपग्रेड करने का काम और उसमें सारी सुख सुविधाएं देने का काम करेंगे। गांव का जो सीवेज सिस्टम है, कहते यहाँ का सीवर सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा खराब है, तो राज आने पर आपका सीवर सिस्टम जो है वो बिल्कुल सही कर दिया जाएगा, ताकि आगे गांव वासियों को दिक्कत ना हो। और जो घग्गर का पानी, कहते पानी की समस्या जो है वो सबसे बड़ी है, तो घग्गर का पानी लाने का काम करेंगे। अब आपके हाथ में एक बारी आप एकजुट होकर जनता जननायक पार्टी के लिए अपना तन मन और धन से पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करो, संगठन का मजबूत, संगठन को मजबूत करने का काम करो, क्योंकि संगठन मजबूत होगा तो दुष्यंत के हाथ मजबूत होंगे। दुष्यंत के हाथ मजबूत होंगे तो अपने एमएलए बनके चंडीगढ़ पहुंचेंगे और आपका राज पाठ आएगा। और मैं हर कार्यकर्ता से कहूंगी कि तन मन और धन से पार्टी के साथ आप लोग जुड़ो और दुष्यंत और अजय सिंह जी का साथ दो, आप लोग आए। और मैं माता और बहनों के लिए कहूंगी कि आप लोगों के लिए, हो सकता है हमारे घोषणा पत्र में ये बातें ना लिखी हो, पर मैं आप लोगों के लिए कहूंगी कि 2019 में जब राज आएगा तो आप लोगों के लिए छोटे छोटे 10 गांव के समूह पर एक लघु उद्योग लगाने का हम लोग काम करेंगे, जहां महिलाएं 10 बजे से लेकर 4 बजे तक काम करें। और जो मेरी बेटियां हैं उनके लिए मैं कहूंगी कि 10वीं 11वीं और 12वीं की बेटी जो शिक्षा है सरकारी स्कूल में वो बिल्कुल फ्री होगी, और स्कूलों को हम लोग बिल्कुल दिल्ली की तर्ज पे बहुत अच्छा कर देंगे कि जो प्राइवेट स्कूल है वो भी सरकारी स्कूलों को देते हैं। आप सब आए, काम का समय और मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप ऐसी एकजुटता बनाए रखो और पार्टी को मजबूत रखो। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है, उन्होंने लिखा है कि गांव में जो है अड्डा रोड़ी नहीं है और ना ही कोई बेसहारा पशुओं के लिए गौशाला, ये छोटी सी, तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि जैसे सरकार आएगी और कुछ करो ना करो, ये दोनों काम तो मैं कर दूंगी। देखो, वो राजनीतिक रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते आज भी कायम है, चाहे आप बादल साहब से जाके पूछ लो, वैसे के वैसे ही हमारे पारिवारिक रिश्ते। चौटाला जी, चुनाव बिल्कुल नजदीक है, आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या लोकसभा का चुनाव? चुनाव डिक्लेयर होने दो, कैंडिडेट भी आपके सामने ही होगा बस। मैडम जी, कांग्रेस में सेंधमारी क्यों निल गई? कांग्रेस के तो बहुत है, कल भी 19 को ज्वाइन करेंगे दुष्यंत को, वो कांग्रेस से आ रहे हैं। बीजेपी से कितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो देखो जो विधायक आएंगे वो खुल्लम खुल्ला आएंगे, बिल्कुल आपके सामने आएंगे, मीडिया के सामने आएंगे, जो भी आएंगे वो।